नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे YouTube प्लेटफॉर्म इंट्रूजन मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 44 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे अर्बन पॉवर्टी यानी शहरी गरीबी। गांव की गरीबी तो आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन जो अर्बन पॉवर्टी है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, यानी शहरी गरीबी कि शहर में कैसे गरीबी होती है, क्या पैमाना होता है, ठीक है, पैमाना नहीं मतलब क्या काज होता है, क्या कारण होता है उस गरीबी का, उसको देखेंगे। और क्या वो लोग फेस करते हैं जो शहर में, जो शहरी गरीबी है, जो वो लोग क्या चीजें फेस करते हैं ना, उस चीज को देखना है, ठीक है। तो हम लोग पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अर्बन पॉवर्टी क्या है उसके बारे में जानेंगे। कॉज मतलब अगर कुछ भी है तो क्यों, या कोई किसी एक चीज का रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या है, कॉज क्या है अर्बन पॉवर्टी का, और जो चैलेंजेस, जो कठिनाइयां वो लोग फेस करते हैं अर्बन पुअर, ठीक है, वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो उनकी जो कंडीशन है, अर्बन पुअर की जो कंडीशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसको देखेंगे। और जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं अर्बन पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में देखेंगे हम लोग। देखेंगे अब क्या अर्बन पॉवर्टी बोला जाता है कि एक ऐसी पॉवर्टी है जो कहां पर दिखती है आप लोगों को, मेगा सिटीज यानी बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, जिनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर जो रहने का तरीका है वो क्या है, पुअर है। जो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पुअर है, मतलब कम है, ठीक है। और जो उनको एसेंशियल यूटिलिटीज मतलब जो अनिवार्य, जो उनको डेली की चीजें है ना, वो चीजें पर्याप्त नहीं हो पाती है पर डे, ठीक है, वो हो गया। और जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और जो एक नॉर्मल लोगों को, एक ह्यूमन को पानी, मकान, कपड़ा, रोटी, ये सब प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है, ये सब पूरा नहीं हो पाता है। कंप्लीट डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कंप्लीट नहीं हो पाती है इन लोगों की, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी में जैसे कि आप लोगों ने शहर में देखा होगा, जैसे कि आप दिल्ली ही पहुंचे मान लो, ठीक है, दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, पुरानी दिल्ली, और उसके पास में झोपड़पट्टी दिख जाएंगी आप लोगों को, ठीक है, तो वो सब क्या है, यही अर्बन पॉवर्टी है कि मतलब रहने को तो शहर में रह रहे हैं वो लोग, लेकिन जो गरीबी है ना, जो वाटर का प्रॉब्लम है उन लोगों को, हेल्थ की प्रॉब्लम है, बीमारियां आ जाती रहती हैं उनको, वाटर नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है, उनको पर्याप्त नहीं हो पाती है, ठीक है, टाइम पर हेल्थ सर्विस नहीं मिल पाती है उनको, तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा उन लोगों को, उनको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में आ जाएगा, और इन लोगों को क्या बोला जाता है, अर्बन पुअर यानी अर्बन पॉवर्टी बोला जाएगा। देखते हैं कि जो अर्बन पॉवर्टी है उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, ठीक है, उसके पीछे का कॉज क्या है। तो सबसे पहला कॉज है कि लार्ज स्केल ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, गांव से लोग क्या करते हैं, गांव में क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गांव में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार नहीं है, ना ही कोई इंडस्ट्री है, तो गांव के लोग क्या करते हैं, भागकर शहर आते हैं, ठीक है, शहर आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, अपनी जगह से, अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना रोजी रोटी के लिए, उसको क्या बोलेंगे, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में अब लोग, जो माइग्रेशन होता है उसका बेसिस क्या होता है, वो कैसे होता है, माइग्रेशन कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में क्या हुआ कि गांव से लोग कहाँ आ गए, शहर आ गए, लिवलीहुड मतलब गांव में अच्छा मान लो रहेंगे भी, तो जब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, पैसे आएंगे नहीं, ठीक है, तो खाएंगे कैसे, तो अपने जीवन को खाने पीने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए क्या कर देते हैं लोग, माइग्रेट हो जाते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर होता है, गाँव में होता है, ठीक है, जिसके कारण से माइग्रेशन होता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब शहरों में क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से कंपनियां लग रही हैं, बहुत सारी क्या होता है, वो हो जा रहा है, विकास हो रहा है शहरों का, ठीक है, जिसके कारण क्या हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रहे हैं, ठीक है, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े जैसे विस्टा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सब गांव में तो नहीं होता ना, बड़े बड़े टावर यहाँ पर बन रहे दिल्ली में और भी शहरों में, तो लोग क्या करते हैं, भागकर गांव से आ जाते हैं, तो ये सब माइग्रेशन के कारण है, ठीक है।
लैक ऑफ स्किल, अब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैक ऑफ स्किल। जब आपके पास कोई स्किल नहीं होगी, ठीक है, गांव में क्या होता है कि आपके पास स्किल नहीं होती गांव में, ठीक है, जिसके कारण से लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइग्रेशन लैक ऑफ स्किल तो ठीक है, लेकिन जो वहां से गांव से उठ कर आते हैं लोग, ठीक है, शहर में, तो उनके पास स्किल तो होती नहीं है, ठीक है। तो जब स्किल नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं, जो जॉब करते हैं वो अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, ठीक है, उनके जो